2 दिनों से लापता जिला पंचायत सदस्य धनंजय यादव की लाश नदी किनारे मिलने से मचा हड़कंप। खबर श्रावस्ती के भिनगा कोतवाली का मामला प्रकाश में आया है, जहां पर जिला पंचायत सदस्य धनंजय यादव 2 दिनों से लापता थे। काफ़ी खोजबीन के बाद उनका कोई पता नहीं चल पाया और वहीं 2 दिन बाद नदी किनारे शव पड़ा देख लोगों ने पुलिस को सूचना दी, जिसके बाद घटना स्थल पर पहुंचे परिजनों ने शव का पहचान किया, जिसके बाद आसपास के लोगों में हड़कंप मच गया। और वहीं आपको बताते चले कि जिला पंचायत सदस्य जो धनंजय यादव हैं 2 दिनों से लापता थे। परिजनों ने थाने पर गुमशुदगी का मामला भी दर्ज कराया था और पुलिस तत्परता दिखाते हुए पुलिस भी जांच पड़ताल में जुटी हुई थी। और वहीं शव मिलने से परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है और वहीं पीड़ित परिजनों ने हत्या की आशंका जताते हुए पुलिस से न्याय की गुहार लगाई है। अब देखने वाली ये बात होगी पूरे मामले में पुलिस प्रशासन क्या कार्रवाई करती है। आपको बताते चले कि यह घटना भिनगा कोतवाली क्षेत्र का मामला। हमारे बड़े पापा के लड़के हैं, मेरे बड़े भाई हैं, परसों शाम को 8:30 बजे घर से निकले, उसके बाद लापता हो गए। हम लोगों ने तहरीर भी दी थाने में, छानबीन हुई, हम लोगों ने ढूंढा। उसके बाद जब सुबह अभी ढूंढने आए, गोताखोर आने वाले थे तो उससे पहले हम लोग आ गए। जब हम लोगों ने नीचे जाके देखा तो उनकी बॉडी साइड में पड़ी हुई थी पानी से, वही नदी के नीचे, नदी से नीचे उतर के जब जाओ थोड़ी दूर पे बाएं हाथ पे पड़ी हुई थी। क्या लगता है लापता हुए तो? लापता हुए नहीं, उनको लापता किया गया और उनका सीधा सीधा मर्डर किया गया। किस पे शक है आप लोगों को? अब अभी तो शक तो मुझे किसी पे नहीं है, लेकिन आशंका आप लोग को? आशंका है कि वो उनका मर्डर हुआ है, कोई उनको लेके आया वहाँ से, उसके बाद वो लापता हुए। दुश्मनी तो किसी से नहीं थी। क्या शरीर पे निशान? हाँ निशान है, गले पे निशान है, जकड़ने का, आँख पे चोट है, ब्लैक हो गया है सब, नाक से खून आ रहा है, कान से ब्लड आ रहा है, कमर पेट पे निशान है, कुछ जगह पे निशान है चोट के। किस तारीख को रात से लगभग 8 बजे पास में आसपास निकले हैं घर से पैदल, उसके बाद से कोई सूचना नहीं मिली। हम लोग 21 को पूरी रात ढूंढे हैं, फिर 22 तारीख को दिन में ढूंढे, 2 बजे तक ढूंढे, उसके बाद जब लाश नहीं मिली तो हम लोगों ने तहरीर दी गुमशुदगी की, उस पर लास्ट लोकेशन रात के नदी आया था, ढूंढा रहे थे हम लोग। तो आज हमारे लोगों ने अपने खुद मतलब डेड बॉडी वहाँ से शव प्राप्त किया है नदी से पानी से, लेकिन अभी तक हम लोगों को आशंका नहीं था, लेकिन हम लोग अब शंका जता रहे हैं कि हमारे मतलब यह और कोई मामला नहीं, हत्या का मामला है, क्योंकि काफ़ी चोटें हैं उस पर शरीर पर, आँख पर चोट है, गले पर भी चोट के निशान है, इसलिए अब हम लोग हत्या की शंका जता रहे हैं। आपका क्या नाम है? विक्रम यादव। आपके भाई का क्या नाम है? धनंजय यादव, वार्ड नंबर 5 सदस्य जिला पंचायत। पिताजी का क्या नाम? स्वर्गीय दिनेश चंद्र यादव।